dear students, welcome back to this YouTube channel of Heritage Public School. In this video, we will discuss computers of class 7th. We will discuss first chapter of computers, and the name of the chapter is number system. In this chapter, we will discuss what is number system, classification of number system, predix, conversion from one number system to another number system, and also we will be discussing binary arithmetics. So let's start with the chapter. First of all, I would like to tell you that what is number system. Number system, a set of values used to represent different quantities is known as number system. यानी जो डिफरेंट क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है किसी भी सेट ऑफ वैल्यू की, उसको हम नंबर सिस्टम कहते हैं. अ नंबर सिस्टम कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास और नंबर ऑफ व्यूअर्स वॉचिंग अ सर्टेन टीवी प्रोग्राम. नंबर क्या हो सकता है? कोई भी नंबर जो कि क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास. यानी अगर जैसे कोई टेंथ क्लास है, वहाँ पे 50 स्टूडेंट्स हैं, वही एक 11th क्लास है जहाँ पे 60 स्टूडेंट्स हैं, इसी तरह से एक 8th क्लास है जहाँ पे 40 स्टूडेंट्स हैं. तो यानी यहाँ पे क्या है, ये डिफरेंट जो नंबर हैं इनकी जो सेट ऑफ वैल्यू है, ये इसको जो रिप्रेजेंट करने वाला जो है, वो उसकी जो क्वांटिटीज़ हैं वो डिफरेंट डिफरेंट हैं. आप देख सकते हैं 40 है यहाँ पे, 50 है, ये 60 है, इसी तरह से क्या. तो ये जो डिफरेंट क्वान्टिटीज़ है, ये एक पर्टिकुलर क्लास का बता रहा है कि यहाँ पर जो है ये इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं. तो ये क्या है, एक नंबर सिस्टम के थ्रू ही रिप्रेजेंटेशन कर पाते हैं. तो इसी तरह से कोई प्रोग्राम है, लाइक कोई चैनल देखने वाले जी है, इसी तरह से कलर्स देखने वाले अगर जो लोग हैं, तो लाइक यहाँ पर अगर 1000 व्यूअर्स हैं, यहाँ पे इसके 2000 व्यूअर हैं. तो यूजुअली जो नंबर ऑफ़ पीपल हैं वो क्या है, नंबर ऑफ क्वांटिटीज़. तो डिफरेंट जो क्वांटिटीज़ हैं, इससे हमें पता लगता है कि किसकी डिमांड ज़्यादा है, किसकी डिमांड कम है, कौन से किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो यही जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वांटिटीज़ है, दैट कम्स इन द नंबर सिस्टम. Most of the digital computers, they represent all kinds of data and information in binary number. It can include any audio, it can be any song. Audio का मतलब कोई song, कोई video हो सकती है, यानी कोई picture हो सकती है, कोई video हो सकती है, कोई image हो सकती है, कोई भी graphics हो सकता है, कोई text जो आप लिख रहे हैं, कोई number हो सकता है जो आप लिख रहे हैं. So these all comes in the form of data and information. But when they goes to the computer for execution, always they converted into the form of binary. यानी जब भी हम कोई भी data, कोई भी picture, कोई भी video, कोई भी audio या कोई भी text computer में लिखते हैं, तो it always converted into the binary form, यानी 0 और 1 की form में. Because computer can understand only the binary form, computer can understand only the machine लैंग्वेज. और मशीन लैंग्वेज में बाइनरी फॉर्म होती है. बाइनरी फॉर्म का मतलब होता है 0 और 1. 0 जो कि ऑफ स्टेट रिप्रेजेंट करता है और 1 जो कि ऑन स्टेट को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर, ठीक है. द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स यूज इन नंबर सिस्टम इज कॉल्ड इट्स बेस और रेडिक्स. यानी जो हमारा क्या होता है, बेसिकली जो कोई भी नंबर है ना, तो जैसे अगर हमने कोई भी नंबर लिखा है 9, तो इस 9 नंबर का जो बेस है या जो डिजिट है जो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो उसके बेस के थ्रू करता है. अगर इसी तरह से नंबर हमने यहाँ पे लिखा है ये 10, तो इस बेस के थ्रू ही आप ये कंफर्म कर पाएंगे कि ये जो नंबर है, ये नंबर किसका है, डेसिमल नंबर का है या किसी जिस भी नंबर सिस्टम का है. तो ये अब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे. लेकिन जो सबसे पहली जो चीज़ है कि व्हाट इज़ रेडिक्स एंड व्हाट इज़ बेस, वो मैं अभी आपको बता रही हूँ कि जैसे जो डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं उसमें हम ये देख सकते हैं. जैसे कि सबसे पहले अगर हम क्लासिफिकेशन देखें नंबर सिस्टम्स का, सो वी हैव 4 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल. ये देखिए, ये आप बेस देख रहे होंगे कि लिखा हुआ है 2 बाइनरी का बेस है, 8 ऑक्टल का बेस है, 10 डेसिमल का बेस एंड हेक्साडेसिमल का बेस 16 है. अब बेस कैसे, बाइनरी की डिजिट है, आप देख रहे हैं बाइनरी में सिर्फ 2 ही डिजिट इंक्लूड होती हैं, 0 और 1. तो इस तरह से, या अगर इस तरह से कोई भी नंबर अगर बन रहा है और उसका जो बेस है वो 2 लिखा हुआ है, तो आप ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये जो
नंबर्स हैं, ये सेट ऑफ वैल्यूज जो हैं, ये बाइनरी नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि इनका जो बेस लिखा हुआ है वो 2 लिखा हुआ है, 2 से रिप्रेजेंट कर रही है। साथ ही आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि जो सेट ऑफ वैल्यू है उसमें डिजिट्स कौन सी है, क्या वो उसकी डिजिट्स हैं जो उस नंबर सिस्टम में इंक्लूड होती है या नहीं। जैसे यहाँ पर 01 है, लेकिन अगर हम यहाँ पर इसको 21 कर दें और बेस 2 लगा दें तो इट कांट बी अ बाइनरी नंबर सिस्टम, बिकॉज बाइनरी में 2 नहीं इंक्लूड होता है, ओनली 0 and 1 ही इंक्लूड हो सकता है। सेकेंड, इसी तरह से आप ऑक्टल देख रहे हैं, ऑक्टल नंबर सिस्टम, इसमें क्योंकि 7 डिजिट तो हैं, देख रहे हैं आप 0 1 2 3 4 5 6 7 और साथ में 0, तो यानी टोटल ये डिजिट्स होती हैं हमारी 8। तो इसीलिए इस बाइनरी जो जैसे बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस 2 है, इसी तरह से ऑक्टल नंबर का जो बेस है वो 8 है। जिसे बेस को या रेटिक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि अगर आपने नंबर लिखा है कोई 75 एंड द अनदर नंबर यू हैव रिटन 79, बट आपने दोनों का जो बेस है वो आपने 8 रखा हुआ है, तो इन दैट कंडीशन क्या होगा, आपका जो बेस है ये तो ठीक है, करेक्ट है कि आप कह सकते हैं दोनों ऑक्टल नंबर सिस्टम के हैं, लेकिन जब आप इनके डिजिट्स या इनकी जो इंक्लूड होने वाले जो इसमें नंबर है जो इस सीरीज़ में आते हैं वो अगर आप चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो 7 है और जो 5 है, दोनों की दोनों डिजिट्स जो हैं वो हमारे ऑक्टल नंबर की जो सीरीज़ हैं उसमें फिट होती हैं, लेकिन जो 7 और 9 यानी जो 79 जो नंबर है इसमें से 7 जो है वो डिजिट हमारी इंक्लूड होती है, बट जो 9 नंबर है वो हमारे ऑक्टल नंबर में रिप्रेजेंट नहीं होता है। तो इसीलिए जो हमारी ये जो फर्स्ट वैल्यू है ये एक करेक्ट ऑक्टल नंबर सिस्टम है, ऑक्टल नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रही है, जबकि जो अनदर वैल्यू जो 79 है वो एक रॉन्ग वैल्यू है, क्योंकि ये एक ऑक्टल नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है। इसी तरह से डेसिमल नंबर सिस्टम जो है जिसका बेस 10 है, इसमें हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं जो कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आप देख रहे हैं अगर मैं काउंट करेंगे तो ये टोटल 10 डिजिट्स होती हैं। तो इसी तरह से डेसिमल का जो बेस है वो भी 10 होता है, ये हमारे बिल्कुल नॉर्मल जो नेचुरल नंबर्स होते हैं बिल्कुल ये वही है, और उसका प्रोसेसिंग भी, इसको रिप्रेजेंटेशन करने का भी जो तरीका है, जो वे है, वो बिल्कुल वही सेम होता है। तो जैसे देख सकते हैं अगर हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं नॉर्मली 4329 बेस अगर लिखा है आपने 10, सिंपली आप कह सकते हैं ये नंबर क्या है, एक नेचुरल नंबर है, यानी एक ये डेसिमल नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हेक्साडेसिमल नंबर। हेक्साडेसिमल में आप देख रहे हैं कि 16 है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इज अ सिस्टम वेयर द नंबर्स एज वेल एज द अल्फाबेट्स फ्रॉम ए टू एफ आर ऑल्सो इंक्लूडेड। यानी हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से लेके 9 तक के डिजिट्स एंड ए से लेके एफ तक के अल्फाबेट्स प्रॉपरली इंक्लूड किए होते हैं, और इन्हीं के कॉम्बिनेशन से हमारा हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम बनता है, एज वी कैन रिप्रेजेंट ए एफ बेस 16। तो ये इसका रेडिक्स है, बेस है 16 है, तो जो इससे हम ये रिप्रेजेंट देखते हैं कि ये हेक्सा डेसिमल नंबर है। साथ ही हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे ए और एफ हैं, दोनों के दोनों अल्फाबेट हैं, तो इस तरह से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई 2B है और बेस 16 लिखा हुआ है, तो ये इस तरह से भी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एक हेक्सा डेसिमल नंबर का एग्जाम्पल है। ये थ्रू पिक्चर इंस्टाग्राम के थ्रू भी हम लोग एक बार और इसको क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं। सो द नंबर सिस्टम हैविंग 4 टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट द डेसिमल नंबर सिस्टम हैविंग 10 डिजिट्स 0 to 9 एंड द बेस इज 10। डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 10 होता है और नंबर होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये टोटल 10 नंबर्स हो जाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है बाइनरी नंबर सिस्टम, इसमें जो फ्लिप फ्लॉप स्टोर करता है यानी 0 and 1, जो मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं वो वोल्टेज के लिए इसी को ही यूज करते हैं, बिकॉज जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो 0 and 1 से ही, अगर इनपुट 0 आ रहा है तो ऑफ है, अगर इनपुट 1 आ रहा है तो वो ऑन स्टेट में है। ठीक है, तो इसी तरह से जो बाइनरी नंबर है, तो बाइनरी का जो बेस है वो 2 है और इसमें ओनली 2 डिजिट्स होती हैं 0 and 1। ऑक्टल नंबर सिस्टम है, ऑक्टल नंबर सिस्टम जो है कोई भी लॉन्ग अगर कोई बाइनरी नंबर सिस्टम है तो इस तरह से उसको हम शॉर्ट में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं टू द
फॉर्म ऑफ ऑक्टल नंबर, ठीक है। तो इसमें जो नंबर्स हमारे इंक्लूड होते हैं वो होते हैं 0 से लेकर 7 तक के, जो टोटल 8 होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ठीक है। इसका बेस 8 होता है लेकिन इसमें नंबर 8 इंक्लूड नहीं होता है, फाइन। इसी तरह से अगर हम बात करें कि जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है हमारा, तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में जो बेस है वो 16 होता है, 0 से लेके 9, 0 से लेके 9 तक के डिजिट्स और साथ ही ए से लेके एफ तक की अल्फ़ाबेट, तो इन दोनों से मिलके हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम बनता है। टोटल जो है 16 जो है इसमें डिजिट्स होती हैं, या 16 जो है टोटल नंबर्स होते हैं जो सीरीज होती है, इसीलिए इसका बेस जो है 16 है। अब अगर हम डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करें, तो डेसिमल नंबर सिस्टम इज द नंबर सिस्टम दैट वी यूज इन आवर डे टू डे लाइफ इज द डेसिमल नंबर सिस्टम। यानी जो हमारा डे टू डे लाइफ में हम जो नंबर्स यूज करते हैं, 4,040, 3,090, 2,000, 1,000, 3,249, ये नॉर्मल नंबर्स हम डे टू डे लाइफ में इस तरह के नंबर सीरीज को इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे डेसिमल नंबर्स होते हैं। यहाँ पर भी हम लोग यही देखेंगे कि इसमें जो है आपके 0 से लेकर 9 तक के नंबर्स होते हैं, क्योंकि इसी से आप सारे नंबर बना सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं, कोई भी सीरीज बना सकते हैं। इसमें जो है इसका बेस होता है 10, और इसकी रिप्रेजेंटेशन हम कुछ इस तरह से देख सकते हैं कि इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका इस तरीके से है। जैसे ये डिजिट दी हुई है आपको 6,537, तो ये जो डिजिट गिवन है आपको, इसको आप दो मेथड से कर सकते हैं। जैसे एक ये वाला मेथड है जिसमें कि आपको सिर्फ इसको जिस तरीके से हम इसको प्रोनाउंस करते हैं उस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लाइक 6 into 1000, बिकॉज 6 is on 1000 place, देन 5 it is on 100s place, देन सो 5 is going to be multiplied by 100, देन 3 is on 10s place, so 3 is multiplied by 10, and then 7 is on 1s place, units place, so 7 is going to be multiplied by 1, इस तरह से। लेकिन जब हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे तो वो कंप्यूटर सिस्टम में, तो ये मोर क्लियरली होता है, या इसको शॉर्ट फॉर्म में भी कह सकते हैं कि जैसे आपने फर्स्ट डिजिट ली, वी विल स्टार्ट इट फ्रॉम द लेफ्ट साइड, सो 6 digit यू हैव रिटन, एंड देन यू विल राइट द बेस ऑफ दिस नंबर सिस्टम दैट इज 10। अब आप देखेंगे कि जो 10 है, इस 10 में जो आप देखेंगे कि 1000 जो है वो क्या है, 10 into 10 अगर आप करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलती है वो 1000 मिलती है। तो इस तरह से जो है ये 6000 के इक्विवेलेंट बनती है, तो इसीलिए आप 10 की क्यूब करके इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है 5, इसी तरह से 100 को आप ब्रेक करेंगे तो इसको 10 स्क्वायर में कर सकते हैं, सो 10 into 10 100 होता है, तो 5 into 10 का स्क्वायर प्लस 3 into 10 की पावर 1, यानी वंस, क्योंकि 10 सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल होना है, एंड देन प्लस 7 into 10 की पावर 0। यहाँ पे जो ये 10 दिख रहे हैं ये एवरी टाइम यूज हुआ है, बिकॉज इट इज़ द बेस ऑफ द डेसिमल नंबर सिस्टम। एंड इस तरह से भी आप इसको समझ सकते हैं कि 6 के बाद जो है 3 digits हैं, सो दैट्स वाई यू हैव पुटेड 3 power हेयर, देन 5 के बाद 2 digits हैं, सो यू हैव पुटेड हेयर 2 powers of 10, एंड देन 3 के बाद 1 digit है, सो दैट्स वाई यू हैव पुटेड 1 power देयर, एंड 7 के बाद बिकॉज देयर इज नो डिजिट लेफ्ट ओवर, सो दैट्स वाई इट हैज 0 power ऑन इट, फाइन। सो इस तरह से भी डेसिमल नंबर सिस्टम को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस ऑन द बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम यूजेस 2 digits, 0 and 1, द बेस इज 2, दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू। बाइनरी नंबर सिस्टम, अ कॉम्बिनेशन ऑफ बाइनरी नंबर्स मे बी यूज टू रिप्रेजेंट डिफरेंट क्वान्टिटीज लाइक 1001, यानी क्योंकि बाइनरी नंबर में डिजिट तो सिर्फ 2 ही होती हैं, लेकिन आप इन 2 से भी बहुत सारे नंबर्स को बना सकते हो, डिफरेंट क्वान्टिटीज को बना सकते हो, जैसे 1001, 0111, ठीक है। तो ये हमारे जो एग्जांपल हैं, ये आप इसका बेस और रेडिक्स लिखेंगे जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये हमारा एक बाइनरी नंबर जो है रिप्रेजेंट हो रहा है। नेक्स्ट है हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो जो ऑक्टल नंबर सिस्टम है, ये मैं पहले बता चुकी हूँ, इसमें जो है हमारी 8 digits होती हैं जिसकी सीरीज होती है 0 से लेकर 7 तक की। इसका बेस 8 होता है, और कोई भी जो है बाइनरी नंबर जो है बहुत लॉन्ग जो होते हैं उनको हम शॉर्ट में ऑक्टल नंबर में रिप्रेजेंट करके उसको हम शॉर्ट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमेशा इसमें जो कोई भी डिजिट होती है वो हमेशा 8 से कम होगी, क्योंकि इसमें 0 से लेके 7 तक के डिजिट्स ही ओनली इंक्लूड होती हैं। ये हमारा शॉर्टकट मेथड है, मैं पहले बता चुकी हूँ बाइनरी फॉर्म को रिप्रेजेंट करने का। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं 34 है एंड 235 है, दोनों हमारे ऑक्टल नंबर सिस्टम है, क्योंकि इसमें कहीं पर भी 8 यूज़ नहीं हुआ है सबसे पहले तो। नेक्स्ट
यहाँ पर इसका जो बेस है हम 8 पुटअप करते हैं, तो जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे दोनों नंबर ऑक्टल नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब अगर हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की बात करें तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 16 डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 एंड देन ए टू एफ। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, 0 से 9 और ए टू एफ, यानी इसमें अल्फ़ाबेट एंड डिजिट्स दोनों इंक्लूड होती हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। इसका बेस होता है 16 और यहाँ पे जो है जितने भी जो हैं ये पावर ऑफ आपकी जो है 8 को रिप्रेजेंट करती हैं जैसे। लेकिन आप इसको जब करेंगे तो इसका जो बेस 16 है तो वो आपको 16 में ही इंक्लूड करना होगा, ठीक है। इसको हम 16 में रिप्रेजेंट करते हैं, जो बेस लगाएंगे हम वो इसका 16 में लगाएंगे, ठीक है। जैसे कि अगर आपने कोई वैल्यू लिखी है ए बी एंड ब्रैकेट में 16, तो ये आप देख रहे हैं कि जो 16 है ये इसका बेस है और ये जो दो नंबर हैं ये अल्फ़ाबेट्स हैं जो कि हेक्साडेसिमल की सीरीज़ में इंक्लूड होते हैं। दैट्स व्हाई इट इज़ अ हेक्साडेसिमल नंबर। यू कैन इंक्लूड दिस आल्सो इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम बिकॉज इट आल्सो हैज़ द डिजिट्स रेंज फ्रॉम 0 to 9 एंड अगेन इट हैज़ द कैरेक्टर फ्रॉम बिटवीन द ए टू एफ एंड द बेस इज आल्सो रिटन 16। सो दैट मीन्स यू हैव कन्फर्म दैट इट इज़ अ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम और इट इज़ अ नंबर दैट इज रिप्रेजेंटिंग इन हेक्साडेसिमल। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। वी हैव जस्ट डिस्कस्ड ऑल द नंबर सिस्टम्स। नाउ वी कैन आइडेंटिफाई दैट द नंबर इज रिप्रेजेंटिंग विच टाइप ऑफ नंबर सिस्टम। फाइन, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल डिस्कस मोर टॉपिक्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, goodbye and have a nice day.